गुड मॉर्निंग सर। Good morning, my dear colleagues. Please take your seats. Let's have a look at it. 1999 में नासा और यूएस डिफेंस की साइट हैक हुई थी। इस हैकिंग की वजह से बहुत सारे डिफेंस इश्यूज हुए। 2009 में मायामी में 250 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैक हुए। उसकी वजह से लाखों क्रेडिट कार्ड डेटा मिसयूज हुए। 2014 में साउथ कोरिया में 20 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैक हुए। लाइट्स, अभी उनका टारगेट हम हैं। अब तक आपने जो भी देखा है उसे याद रखिए। कब होगा, कैसे होगा, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस मत पूछना। मैंने आप लोगों से जो भी कहा वो सच में होने वाला है। वी आर अंडर अटैक, साइबर अटैक। ये हैकर्स कौन है ये नहीं बता सकता, लेकिन इनका टारगेट है इंडिया। इन केस ये लोग सक्सेसफुल होते हैं तो इनका प्रभाव इंडिया में बहुत होगा। वी शुड स्टॉप इट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री। लेट्स फेस द वॉर, साइबर वॉर। मैरिज शंकर कैलाश, ऑन द वे सर। देखना बाहर कितनी धूप है, ऐसा लग रहा है जैसे मर जाऊंगा। शाम से पहले यहां से नहीं निकलूंगा, तब तक यहीं बैठ के कुछ काम कर लेता हूं। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं यार, कैपिटलिज्म इज सच अ फेलियर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही तो गर्मी क्यों नहीं होगी। दैट वे कम्युनिज्म इज फार बेटर। ये यहाँ क्या कर रही है? ए, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। पर अभी तो कह रहा था बाहर बहुत धूप है। hey, मैंने कहा ना कुछ अर्जेंट काम है। अरे अभी तो कह रहा था शाम तक चला जाऊंगा, क्या हुआ? अरे यार समझा करना यार, मैं जल जाऊंगा मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वो मेंटल वहां बैठी है ना, वो मेरा दिमाग खा जाएगी यार। तू उसे मैनेज कर लेना प्लीज। अरे मैनेज कर लेना, मैं जा रहा हूँ, मैनेज कर, 5 मिनट में आता हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। प्रिंट नहीं आ रहा है। आपने कमांड नहीं दिया होगा। कमांड दिया ना, देखिए पहले मैंने प्रिंट टाइप किया और फिर एंटर दबा दिया। ऐसी चीजें टाइप करके एंटर मारने से काम हो जाता तो मेरी जिंदगी आसान होती। हेलो, 1 मिनट। अब क्या हुआ? कुछ फाइल्स मैंने सेव की थी, मिल नहीं रही हैं। पता नहीं कहाँ सेव हुई है। फाइल सेव की है मतलब सेव टाइप करके एंटर मार दिया, यही किया है ना तुमने? Exactly. पहले तुम वो विंडो क्लोज कर दो। हाँ, लेकिन यहाँ विंडो कहाँ है? पता था यही कहोगे। लगता है जैसे स्टोन एज से निकलकर सीधा यहाँ आकर बैठ गई हो। हेलो, जस्ट 5 मिनट्स, प्लीज हेल्प मी, प्रिंट आउट चाहिए मुझे। ए, ऐसी सिली चीजें मेरे साथ मत किया करो। दोबारा अगर यहाँ आना चाहती हो ना तो किसी को अपने साथ मदद के लिए लाया करो। हाँ? हेलो, या आई विल डू दैट। हे अंजलि, अंजलि, तुम मुझे ऐसे फॉलो क्यों कर रही हो? तुम खुद को अल्लू अर्जुन समझते हो क्या? मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूं? मेरा हॉस्टल वहां है। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। बहुत भूख लगी है, सोचने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी बढ़ानी है तो फेवरेट आइसक्रीम खानी होगी। पता है, मुझे सब पता है। जरा रुको ध्रुव, मैं जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग को एनर्जी चाहिए ना, मैं जाकर ले आता। डोमिनेट क्यों कर रहे हो तुम? मुझे क्या छोटा बच्चा समझा है? जब देखो उस बच्चे के साथ क्यों खेलते रहते हो? एक बार मेरे साथ खेल कर देखो। मैं खूबसूरत लड़कियों के साथ माइंड गेम्स नहीं खेलता। तो फिर किस तरह का गेम खेलते हो? दिमाग से काम नहीं करता, दिल से करता। ठीक है, फिर खेलते हैं। The interesting fact is
You should know how to play and how to win the game. Play to win, not lose. Really? Interesting. इस तरह के गेम किस जगह खेलने चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है. जरूर खेलेंगे हम. Two scoops of chocolate ice cream. Mango वाली दे दो. No, butterscotch दे दो. Fix. Vanilla ही दे दो. अंजलि. Let's go. Okay. रात को टीवी मत ऑन कर देना. डोमिनेशन मत करना. ये डोमिनेशन नहीं है, डिसिप्लिन है. तुम जो कर रही हो ना वो डोमिनेशन है. सो जा. ध्रुव, क्या तुम मोहिनी से प्यार करते हो? ए, तुम्हारी उम्र क्या है? ये सवाल जरूरी है क्या? मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ. आई एम 8 नाउ. वो लव नहीं है. फिर क्या है बताओ. सन के चारों ओर अर्थ घूमती है, पर क्यों? Exactly. That is just attraction. लेकिन क्या वो दोनों एक दूसरे से कभी मिल पाते हैं? नहीं. मोहिनी और मैं भी कुछ ऐसे ही हैं. हम दोनों हमेशा दूर ही रहेंगे. चलो सो जा. तो फिर श्रेया? उससे जरा संभल कर ही रहना. उससे जितना दूर रहोगी अच्छा होगा. ओके सो जा.